हर मैं लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight. पूरी दुनिया क्लाइमेट को लेकर परेशानी भी गुजरा, अगर ये हम करेंगे तो सारे संकटों से बचने वाली 50 साल 100 साल के बाद जो बच्चे होंगे वो भी इसका लाभ होगा। और लोग क्या करते हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाना खाली करते हैं। हमने सरकारी खजाना भी बचाया, देश का भविष्य भी बचाया और लोगों के घर की जरूरत भी पूरी हुई। अच्छा, आपने कभी हिसाब लगाया इसका कैसे फायदा होगा? मैं आपको एक हिसाब बताऊं। मान लीजिए तो आपका 4,000 रुपए का बिजली का बिल आता, 4,000 मान लो और ऊपर से 1,000 रुपए मान लो आपकी कमाई, तो आपको 5,000 रुपए मिला। अगर मान लीजिए आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है, बेटी 1 साल 2 साल और बेटी के नाम ये 5,000 रुपया आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिर दूसरे महीने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, 12 महीना ऐसा करते करते आपने 60,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट किया, फिर दूसरे साल भी किया, तीसरे साल भी किया, करते गए। वैसे बिल तो देते ही थे, घर से तो खर्चा होता है, बच रहा है।
बेटी के लिए अगर आपने जमा किया तो बेटी जब 20 साल की होती ना तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा अपने अंदाज किया 10 से 12 लाख रुपया आपके बिजली के बचत से बचत कमाई होगी आपकी। और जब बेटी आपकी 20 साल की होगी आपके हाथ में 10-12 लाख रुपया होगा उसकी पढ़ाई उसकी शादी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। यानी एक छोटी योजना इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है इसका ये उदाहरण है। अच्छा देश इतना आपके लिए कर रहा है आप एक काम करेंगे आपकी सोसाइटी में सबको मिला स्वच्छता ऐसी हो तो लोगों को लगे कि ये तो मंदिर है पूरी सोसाइटी एक मंदिर है। यानी एक भी कूड़ा कचरा ये कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं मैं 5 बजे उठ जाऊंगा मेरे घर का कचरा बगल वाला है बगल वाला 5:30 बजे उठेगा तो दूसरे दिन 4:30 बजे वो कचरा आपके यहाँ डाल देगा ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छा मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी सोसाइटी है 3-4 फ्लैट देख रही हूँ मेरा एक अभियान है एक फ्लैट माँ के नाम अपनी माँ को स्मरण घर में अगर 5 मेंबर है तो हरी माँ 5 फ्लैट लगेंगे क्या आपकी सोसाइटी एक फ्लैट माँ के नाम ये करके पूरी सोसाइटी को ग्रीन कर सकते 3 साल के भीतर भीतर मकान नहीं दे देगा फ्लैट ही बढ़ गए छोटा सा काम उसी प्रकार से बरसात का पानी बारिश 2 इंच में बारिश हो जाए तो लाखों लीटर पानी यानी सिर्फ सूर्य क्रांति रानी ऐसा नहीं पूरे जीवन में आप पर्यावरण के प्रति सजग रहो। जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते थे पहले तो घर से थैला लेके जाते अब ऐसे खाली हाथ जाते हैं प्लास्टिक के डब्बे लेकर जाते हैं प्लास्टिक फेंकते हैं गाय खाती है गाय मर जाती है। क्या हम तय कर सकते हैं मैं प्लास्टिक से कोई चीज नहीं मैं घर से ही थैला लेके जाऊंगा घर के ही थैले में सबको लाऊंगा प्लास्टिक को हाथ लेकर। देखिए पीएम सूर्य घर योजना अभी मैंने 1 करोड़ घरों को देना था करीब 1.5 करोड़ लोगों ने अर्जी दी और 3.5 लाख घरों में ऑलरेडी काम पूरा हो चुका है। हमको कितना पैसा कितना दिया अब 3.5 लाख लोग उनके पास 20-20 लाख रुपये अपनी बेटी के लिए जमा होगा कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी चलिए आप सबको